हम गाइस स्मार्ट पॉकेट इंस्टेंट क्रेडिट इस एप्लीकेशन के आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 4.9 स्टार इसका रेटिंग्स है और 50 के से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हुआ है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह भी हम लोग देख सकते हैं। आप तो 2 लाख तक लोन मिलेगा ऐसा ये लोग बता रहे हैं। तो कैसा एप्लीकेशन है, रियल है या फेक एप्लीकेशन है, इसमें रियलिटी क्या है इस एप्लीकेशन की, सच में लोन मिलता है या नहीं मिलता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कंप्लीट ओवरव्यू आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएंगे। पहले ही एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस कि रिक्सी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपकी मोबाइल का बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो पहले ही मैं बताना चाहता हूँ 2 टिप्स अप्लाई करना अपने मोबाइल पे, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है, फोटोज़ मीडिया, आपकी जो भी कॉन्टेक्ट्स वगैरह, सारी चीज़ें डिलीट मार लेना इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले। और आपकी जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है या तो आपकी जो मेन बैंक अकाउंट है उस अकाउंट पर इस एप्लीकेशन से लोन मत लेना, एक एक्स्ट्रा ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोल लेना। आप लोग आसानी से ऑनलाइन ही खोल सकते हो आधार कार्ड पैन कार्ड ये सारी चीज़ें यूज़ करके, ठीक है। और 0 बैलेंस बैंक अकाउंट होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए लिंक भी दे दूंगा। और एक एक्स्ट्रा ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोल लेना, उसके बाद ही इस अकाउंट मतलब इस एप्लीकेशन से लोन लेना, ठीक है। अभी इस एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करें गाइस, नया एप्लीकेशन है, NBFC के साथ रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 2 लाख तक लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे मिनिमम 3000 से मैक्सिमम 10000 तक यहाँ पे आप लोग लोन ले सकते हो। यहाँ पे इन लोगों ने रिपेमेंट पीरियड जो बताया है 91 डेज से 365 डेज, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, आप लोगों को रिपेमेंट पीरियड शॉर्ट भी मिल सकता है। और जो इंटरेस्ट रेट इन लोगों ने बताया है 2% से 22%, ये भी सही नहीं है। आप लोगों को इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा देना पड़ेगा, जैसे कि 30 से 35% तक आप लोगों को इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो 18 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी KYC डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अगर आप लोग स्मार्ट पॉकेट लोन एप्लीकेशन के कस्टमर केयर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, यहाँ पे इन लोगों ने ईमेल एड्रेस इन लोगों का देख के रखा है। तो गाइस ओवरऑल एप्लीकेशन इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन रिक्सी एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन पे यहाँ पे जो भी 4.9 स्टार रेटिंग्स आप लोग देख रहे हो ना, ये सारी फेक रेटिंग्स है। यहाँ पे अगर आप लोग 1 स्टार पे जाओगे तो आप लोगों को कुछ इंडियन रिव्यूज़ मिलेंगे, जिन लोगों ने बताया है कि भाई हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देता है। कुछ लोगों को तो इस एप्लीकेशन ने 7 डेज के लिए भी लोन दिया है। तो आप लोग देख सकते हो ओवरऑल रिक्सी एप्लीकेशन है, आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो। अगर 7 डेज का आपको लोन मिलता है तो आपको रिपेमेंट करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखना कि अपने प्राइमरी बैंक अकाउंट पे लोन मत लेना, बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को नहीं आएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए लिंक्स दे दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से किसी भी बैंक पे एक अकाउंट खोल लेना और उस पर ही लोन लेना। तो ओवरऑल गाइस ऐसा ही एप्लीकेशन है। आप लोगों को क्या लगता है, ये एप्लीकेशन कैसा है, रियल है या फेक एप्लीकेशन है, कमेंट पे ज़रूर बताना। मेरे ख्याल से तो गाइस फेक एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि लोन मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई लेता है ये लोग और रिपेमेंट पीरियड आपको शॉर्ट मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।